नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। पिक्चर को डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। अब आपको ऑडियंस पसंद नहीं है तो ऑडियंस बहुत ही गंदी।
साल का हो रहा है मई में और उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। उसको शुरू से था लगन कि मैंने एक्टर बनना है। मेरे में जो कैपेसिटी अपनी तरफ से मेहनत करके उसके लिए किया, उसके बर्थडे पे उसको ये गिफ्ट दे रहा हूँ। और चैलेंज ये है, एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है आज के तरीके में। बाकी उसके लिए मुझे अच्छी बाजुएं मिली मेरी, अच्छा म्यूजिक वाला मिला, अच्छे डायरेक्टर मिले कैप्टनशिप, तो इन्होंने बहुत अच्छे दिल से फिल्म बनाई है। बाकी अब लगेगी, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग सिनेमा हॉल में देखेंगे तो पीछे चलेगी। विषय तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, इसका जोनर बता सकता हूँ। बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें तमाम कलाकार और भी हैं। भोजपुरी के मनोज टाइगर हैं, अनूप अरोरा जी हैं, फिर आपके श्रद्धा जी हैं, संतोष पहलवान हैं, माही है और तमाम भोजपुरी का। शुरू से मेरा थोड़ा बहुत रुझान था भोजपुरी के, कुछ अच्छे स्टार मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे शोज भी किए हैं, वो भोजपुरी की अच्छी मार्केट है। और पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी की मार्केट कुछ टूटी हुई थी, तो मैंने कहा अपनी तरह कुछ जोड़ने की कोशिश करूँ। राघव का डेफिनेटली ये पहली फिल्म है, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम किया है। पहले फिल्म में मैं तो खेसारी के साथ भी पहला फिल्म कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक आर्टिस्ट की पहली फिल्म कितनी मुश्किल होती है। उस हिसाब से राघव ने बहुत अच्छा काम किया है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ का स्कोप है। उसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है ये कह सकता हूँ। नहीं, कॉपी की बात नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर साहब रमेश जी ये कैपेबल थे इतने सारे आर्टिस्टों को लाने के लिए, तो इनका सुझाव था कि एक गाना ऐसा रखा जाए जिसमें मैं बॉलीवुड के तमाम आर्टिस्टों को ला सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, हमारे फिल्म में ऐसी ये गाने हैं जो रिसेप्शन पार्टी होता है उसमें हम एज ए सेलिब्रिटीज उनको ला सकते हैं, वो फिल्म में लगेगा भी नहीं कि मैंने जबरदस्ती डाला और उनकी इनपुट भी आ जाएगी। You know, so I love dancing obviously, and but it's even more special to be dancing with a friend. Raghav's like a family and I'm very very happy for him. So it's almost like dancing and supporting a friend. So yeah, it's special. Hindi achhi hai. But it's very tough to, I feel it's very tough to converse because it's not my first language. So, but when it comes to movies and TV, I have to work very hard. It's not easy. I have to work very hard. Acting में जैसा दिख रहा हूँ उतना ही हूँ। Actually ये dancing ऐसा नहीं है कि कोई professional dancer के तौर पे यहाँ पे आज हूँ। एक film है हल्फा मचा दे, इसकी shooting चल रही है, इसमें चंद celebrities आते हैं। हिंदी से प्रेम चोपड़ा जी हैं, रंजीत साहब हैं, रजा मुराद साहब हैं, मैं भी हूँ। तो एक सेलिब्रिटीज बन के अवधेश मिश्रा बन के आया हूँ, जो मैं आम जीवन में होता हूँ वही बन के आया हूँ। इसलिए मेरा ये पोशाक है, ये तिलक है, जैसा जीता हूँ और नॉर्मल लाइफ में वही है। तो यहाँ डांस एक माहौल है, उसमें डांस करना है, डांसर मैं हूँ नहीं। गलती से मेरी एक फिल्म है डमरू जिसमें तांडव कर चुका हूँ। डांसिंग में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं, मुझे कम आता है, केवल एक एक्टर हूँ। माहौल बनता है तो कभी कभी नाच भी लेता हूँ। देखिए भोजपुरी भाषा जो है बहुत ही कानों को भरी लगती है, बड़ी मिठास है इस भाषा में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी भोजपुरी फिल्में की हैं। देखिए मैं तो चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की हर जबान में काम करूं। अब तक मैं 19 जबानों में काम कर चुका हूं और रमेश भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं,
कई बार इंडस्ट्री में ताल्लुकात वो काम कर जाते हैं जो पैसा नहीं करता है. तो हम सब जो आए हैं ताल्लुकात की बिना पर आए हैं, प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत साहब और मैं, क्योंकि हमारे इनसे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो हम आए हैं बिल्कुल. और आपको याद होगा कि ओम शांति ओम में भी एक गाना था जिसमें बड़े बड़े स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया था उस गाने में. तो देखिए, इंडस्ट्री जो है वो ताल्लुकात पे चलती है. एक एक सीन के लिए, दो दो शॉट के लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स उस गाने में आए थे. तो हमने यही सोचा कि जब उस फिल्म में शाहरुख खान के तमाम कलीग्स आए, उन्होंने गाना किया, हमें भी करना चाहिए. और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ ओम शांति ओम से. तो अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है. पुराने साथी मिले हैं पप्पू खन्ना से, के साथ हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं. मज़ा आ रहा है, अच्छा लगे. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.